Good morning, students. Today our topic is Traders, Kings and Pilgrims, Chapter Number 9 from History, Class 6. तो आज हम पढ़ते हैं भक्ति. भक्ति क्या होता है? भक्ति एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है डिवाइड करना. दो तरीके का रिलेशन है, गॉड का और इंसान का. भगत डायरेक्टली भगवत से लिया गया है और इसका मतलब होता है बांट देना. अब हम पढ़ते हैं पोएम भाई भक्ता. भक्ता कितनी ज़्यादा रिच होती थी तमिल में. जो अपेयर है, अपेयर किसके डिवोटी थे? शिवा के. अपेयर जो थे वो विलाला थे और इन्होंने ये पोएम लिखी है. जो देवी देवता थे वो स्पेशली होते थे. इनकी इमेजेस को अलग अलग मंत्रों में रखा जाता था. भक्ति ने इंस्पायर बहुत ज़्यादा हुए और उन्होंने काफ़ी सारी पोएम्स लिखी हैं. अब पढ़ते हैं हिंदू. हिंदू क्या होता है? इंडिया जो है वो इंडस से लिया है. इसी तरीके से जो हिंदू वर्ड है ये भी इंडस से आया है. अरब और ईरान के लोगों ने इंडस नदी के दूसरी तरफ लोग रहते हैं उनको हिंदू कहा जाता है. फिर हिंदू के नाम पुकारते थे. उसी तरीके से कल्चर भी यहाँ पर प्रैक्टिस होता था. आप पढ़ते हैं एल्सवेयर. यहाँ पर भी हिंदुइज्म के बारे में दिखाया है तो क्रिश्चियनिटी के बारे में. लगभग 2000 साल पहले क्रिश्चियनिटी है आई, वो वेस्ट एशिया से आई. जीसस क्रिस्ट जो हैं बेथलहम में इनका जन्म हुआ था, रोमन एम्पायर का जो उस टाइम पर पार्ट था. तो दुनिया को बचाने वाले उनको कहा गया. उन्होंने लोगों को सिखाया कि प्यार करो और एक दूसरे पर भरोसा करो और दूसरों से इस तरीके से ट्रीट करो जैसे आप चाहते हैं कि दूसरा आपके साथ ट्रीट करे. कुछ वर्ड्स हैं बाइबल के. वो लोग ब्लेसड हैं जो लोग अच्छे के लिए सोचते हैं. टीचिंग बताई गई है कि जिनका प्योर हार्ट होता है उनको गॉड मिल जाएगा. जो मर्सीफुल होंगे गॉड उनको मिल जाएगा. जो दूसरों से हमदर्दी करेंगे उनको खुदा की हमदर्दी मिलेगी. और जो पीस वर्कर होंगे, जो शांति फैलाएंगे, वो गॉड के मैसेंजर्स होंगे. इस तरह की टीचिंग थी जीसस क्रिस्ट की. वो लोगों को काफ़ी अच्छी लगी. वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप में क्रिश्चियनिटी फैल गई. वेस्ट एशिया 100 साल से के बाद जीसस क्रिस्ट के बाद ये क्रिश्चियन यहाँ पर फैल गए. जो केरला के क्रिश्चियंस हैं उनको सीरियन क्रिश्चियन कहते हैं. काफ़ी लोग सीरिया से आए थे, यहाँ पर बसे थे और क्रिश्चियनिटी केरला में फैल गई थी. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.